नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि भारत में इंडिया में कितनी होम्योपैथिक कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्ट्स भारत में लाती हैं, मार्केट्स में बेचती हैं। तो आज मैं इसके बारे में कुछ बातें करूंगा और अपने ओपिनियंस भी शेयर करूंगा इन कंपनियों के बारे में। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में इंडिया में होम्योपैथी बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है और होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत तेज़ी से मार्केट में लोग ले रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं, जिससे आपको बहुत सारी बीमारियों में आराम लगता है। दोस्तों, जो आप होम्योपैथी की मेडिसिन यूज़ करते हैं वो कोई ना कोई कंपनी की होती है। मतलब अलग अलग कंपनी अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन बनाती हैं, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन सेम है। मतलब एकोनाइट चाहे आप डॉक्टर रेक्वेक की ले लें, चाहे आप WSI की लें, लगभग सेम है, सिर्फ थोड़ा सा क्वालिटी में डिफरेंस आ जाता है। इंडिया में बहुत सारी होम्योपैथिक कंपनियां हैं। हम दो तरह से इसको कैटेगराइज कर देते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है जो भारत की कंपनियां हैं, भारत में ही ऑपरेट करती हैं और भारत से ही आपको मेडिसिन मिलती है। दूसरी कंपनियां हैं जो विदेश की कंपनियां हैं, विदेश से मेडिसिन आती है, जैसे जर्मनी से मेडिसिन आती है, फिर आप वो मेडिसिन लेते हैं। तो सबसे पहले इंडियन कंपनी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इंडियन कंपनी है डॉक्टर राज होम्यो फार्मेसी। ये अहमदाबाद की कंपनी है और मैं आपको बता दूं कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, ना मैंने इसकी मेडिसिन यूज़ की है और इसकी मेडिसिन कैसी है ये भी मैं नहीं जानता हूँ। तो दूसरी कंपनी के तरफ चलते हैं। दूसरी कंपनी है हैश लैब। दोस्तों, हैश लैब जो है वो लखनऊ फैज़ाबाद से ऑपरेट होती है, वहाँ पर इसकी फैक्ट्री लगी हुई है और ये लगभग 1962 से अपनी मेडिसिन पूरे भारत में ये बेच रही है। बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसके बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। हैश लैब के प्रोडक्ट्स डाइजेस्टो टॉनिक बहुत ही अच्छा है, हैश लैब का अल्फ़ा टॉनिक बहुत ही अच्छा है, हैश लैब के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। दोस्तों, तीसरी कंपनी है बहोला। ये चेन्नई की कंपनी है, मोस्टली साउथ इंडिया में ही इसके प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिकते हैं और ये 1939 से स्टेबल है। मतलब काफ़ी पुरानी ये कंपनी है, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता क्योंकि मैं इसकी मेडिसिन कभी यूज़ नहीं किया है, मैंने किसी पेशेंट को भी प्रिस्क्राइब नहीं किया है। तो चौथी कंपनी है दोस्तों SBL वर्ल्ड क्लास होम्योपैथी। इसके बारे में आप सभी जानते हैं, बहुत ही अच्छी कंपनी है, दिल्ली से ऑपरेट होती है, लगभग 3 फैक्ट्रियाँ हैं इसकी। 1983 से ये कंपनी स्टेबल है और 1983 से इसके प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं। बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा मैंने इसके बारे में बोला है। डाइल्यूशंस भी अच्छे हैं इसके, बायोकेमिक मेडिसिन भी अच्छी हैं, साथ में मदर टिंचर्स भी अच्छे हैं और इसके जो पेटेंट मेडिसिन हैं वो भी अच्छी हैं, कुछ अच्छी हैं, कुछ ठीक ठाक है। तो ये है SBL। नेक्स्ट कंपनी है शॉबे इंडिया। दोस्तों, ये कंपनी जर्मन की है लेकिन इसकी फैक्ट्री जो है वो भारत में है, नोएडा में है और मैं ये बोलता हूँ कि इंडियन कंपनी में सबसे अच्छी कंपनी शॉबे ही मुझे लगती है। इसके प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं, बायोकेमिक मेडिसिंस, डाइल्यूशन और जो मदर टिंचर हैं सभी अच्छे हैं और बहुत ही अच्छी इसकी मेडिसिंस होती हैं, इसके रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं। तो शॉबे इंडिया बहुत ही अच्छी कंपनी है। दोस्तों, एक कंपनी है RS भार्गवा। दोस्तों, 1920 से ये कंपनी होम्योपैथिक मेडिसिन बनाते आ रही है। दोस्तों, ये कंपनी नोएडा से ऑपरेट करती है और इसके प्रोडक्ट्स ठीक ठाक हैं। आगे चलते हैं तो एक कंपनी है लॉर्ड्स। लॉर्ड्स 1986 से मेडिसिन होम्योपैथी की बना रही हैं। लॉर्ड्स के कुछ प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं, जैसे लॉर्डेंट एक टूथपेस्ट आता है वो काफ़ी मेरे क्लिनिक में बिकता है। इसकी ट्राइचुरेशन टैबलेट्स भी अच्छी हैं, बाकी इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स तो इसके यूज़ नहीं किया हूँ। ट्राइचुरेशन टैबलेट्स अच्छी हैं और इसका लॉर्डेंट जो आपका टूथपेस्ट है वो अच्छा है। दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी है एलेंस लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि कलकत्ता की कंपनी है। ये कंपनी 1969 से होम्योपैथिक मेडिसिन बना रही है और बेच रही है। इस कंपनी के पेटेंट बहुत ही अच्छे हैं और इसकी जो वाइटलाइज़र है, जो आर्निका वाइटलाइज़र आता है, वो काफ़ी अच्छा है और मार्केट में काफ़ी बिकता है। दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी है फोर्टिस। दोस्तों, फोर्टिस चेन्नई की कंपनी है, इसके प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ नहीं किए हैं, हालांकि एक पेशेंट ने इसका टूथपेस्ट मंगवाया था तो वो ज़रूर मैंने ला के दिया। वो पेशेंट यूज़ करते हैं, उनसे मैंने पूछा था तो इसका टूथपेस्ट काफ़ी अच्छा है, बाकी प्रोडक्ट्स के बारे में मुझे नहीं पता है। दोस्त, एक कंपनी है हेलवेल। दोस्तों, ये गुजरात की कंपनी है और एक सिंटेक्स आपने नाम सुना होगा, उसकी एक कंपनी है हेलवेल। तो
मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, इसके प्रोडक्ट्स के कभी यूज़ नहीं किया हूँ दोस्तों। एक कंपनी है BBP दोस्तों, ये कंपनी बैंगलोर की कंपनी है और आपने सौंदर्य क्रीम देखा होगा और यूज़ किया होगा, बहुत ही अच्छी क्रीम है, होम्योपैथी में काफ़ी ज़्यादा बिकती है, वो BBP की क्रीम है दोस्तों। एक कंपनी है मेडिलाइफ दोस्तों, ये नागपुर की कंपनी है, इसके प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ नहीं किए हैं, ना ही पेशेंट को दिए हैं, तो इसके बारे में कोई मैं बात आपको बता नहीं सकता हूँ दोस्तों। एक कंपनी है SHL शारदा होम्यो लेबोरेटरीज दोस्तों, ये कंपनी कलकत्ता की है, इसके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, जैसे लीवा SH बहुत अच्छा है इसका। एक कंपनी है BJN फार्मास्यूटिकल दोस्तों, BJN पब्लिशर पहले बुक पब्लिश करती थी, होम्योपैथी की बुक जो आती हैं वो सब लगभग BJN ही पब्लिश करती है, लेकिन आजकल ये मेडिसिन भी बना रही है, तो इसकी मेडिसिन के बारे में मैं आपको नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैंने यूज़ नहीं किए। एक कंपनी है होम्यो दोस्तों, ये कंपनी पुणे की है और इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ दोस्तों। एक कंपनी है बायो इंडिया दोस्तों, बायो इंडिया के प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ नहीं किए हैं। एक कंपनी है एगोम दोस्तों, एगोम जो है वो रत्नागिरी की कंपनी है और इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। एक कंपनी है मेडिसिन दोस्तों, इसके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, इसके डायलूशन भी अच्छे हैं, इसके मदर टिंचर भी अच्छे हैं और इसके बायोकेमिक मेडिसिन भी अच्छी हैं और इसके कुछ पेटेंट मेडिसिन भी अच्छी है, जैसे जॉन्डिला सिरप इसका बहुत अच्छा है, तो अच्छी कंपनी है दोस्तों। एक कंपनी है बैक्सन होम्योपैथी, ये कंपनी हरिद्वार की है दोस्तों, इस कंपनी के कुछ टैबलेट्स अच्छे आते हैं, जैसे AC-4 टैबलेट अच्छा आता है, AC-9 टैबलेट आते हैं, तो ये कुछ टैबलेट्स हैं इस कंपनी के अच्छे आते हैं दोस्तों। एक कंपनी है इंडो जर्मन दोस्तों, इंडो जर्मन के भी मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं किए हैं, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता हूँ दोस्तों। एक कंपनी है रेलसॉन्स दोस्तों, रेलसॉन्स के भी प्रोडक्ट मैंने यूज़ नहीं किए हैं। एक कंपनी है हैबडेको दोस्तों, ये कंपनी बहुत अच्छी है, ये नोएडा की है, इसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, रूमाटोन ऑयल मैं सालों से दे रहा हूँ और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, तो इसके जो पेटेंट मेडिसिन है वो काफ़ी अच्छी है दोस्तों और इसको यूज़ करना चाहिए। एक कंपनी है एलेंस होम्योपैथी, ये हैदराबाद की कंपनी है, इसके भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ नहीं किए। एक कंपनी है BHP बैंगलोर होम्योपैथिक फार्मेसी दोस्तों, इसके भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ नहीं किए हैं। एक कंपनी है डोलियोसिस दोस्तों, ये पुणे की कंपनी है, इसके भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ नहीं किए। एक कंपनी है वीजल फार्मास्यूटिकल दोस्तों, ये कंपनी उत्तराखंड में है दोस्तों, इसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, जेबर एंडी आयल इसका बहुत अच्छा है और भी प्रोडक्ट्स इसके बहुत अच्छे हैं, बेबी ब्लिस भी बहुत अच्छा है, इसके डायलूशंस भी अच्छे होते हैं, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो एक कंपनी है नेटल न्यूट्रेट दोस्तों, ये कंपनी गुजरात की है और इसके बारे में भी कुछ भी नहीं पता है। एक कंपनी है सेंट जियॉर्गिस दोस्तों, ये मैंगलोर की कंपनी है, 1945 से ये कंपनी ऑपरेट कर रही है और इसके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं दोस्तों। एक कंपनी है सवी, ये बैंगलोर की कंपनी है और इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। एक कंपनी है निखिर, ये गुजरात की कंपनी है, इसका होम्योलैक्स टैबलेट मैं यूज़ करता हूँ और काफ़ी इफ़ेक्टिव है दोस्तों। एक कंपनी है निपको, ये हैदराबाद की कंपनी है, इसके भी मैं प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करता हूँ। एक कंपनी है REPL, ये पटना की कंपनी है, इसके कुछ प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, जैसे इसका एसिडिटी ड्रॉप अच्छा है और इसका एक नोड्यूल ड्रॉप अच्छा है, तो इसके प्रोडक्ट्स 2-3 अच्छे हैं दोस्तों। एक कंपनी है फादर मुलर, ये मैंगलोर की कंपनी है और फादर मुलर आपने सुना होगा, काफ़ी पुरानी संस्था है और इसके खुद के कॉलेजेस भी हैं, मेडिकल कॉलेज भी है और साथ में होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज भी है, तो काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है, काफ़ी अच्छे मदर टिंचर्स और डाइल्यूशंस फादर मुलर के आते हैं दोस्तों। तो ये थी इंडियन कंपनी, अब चलते हैं जर्मन ब्रांड्स की तरफ, जर्मन कंपनियों की तरफ। तो पहली कंपनी है डॉक्टर रेकवेक जर्मनी, ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत सालों से ये अपने प्रोडक्ट्स लाती है, इसके आर ग्रुप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, इसके डाइल्यूशन भी अच्छे होते हैं, इसके मदर टिंचर भी अच्छी होती है, बायोकेमिक मेडिसिंस भी अच्छी होती हैं दोस्तों। दूसरी है शॉबे जर्मनी दोस्तों, इसके भी प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, इसके डाइल्यूशंस भी अच्छे होते हैं और इसकी बायोकेमिक मेडिसिंस भी अच्छी होती हैं दोस्तों। तीसरी कंपनी है एडल जर्मनी, एक्चुअली मैं एडल जर्मनी के प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं किया हूँ अभी तक, तो मैं इसके बारे में कुछ आपको बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि इसके प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं दोस्तों। एक कंपनी है हेवर्ट्स दोस्तों, इसके प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ नहीं किए हैं, तो कुछ भी आपको नहीं जानकारी देता हूँ, ये मोस्टली कलकत्ता से ऑपरेट होती है और उसी रीजन में इसकी मेडिसिन मिलती है दोस्तों। अब चलते हैं स्विट्ज़रलैंड से जो कंपनी आती है, उसका नाम है ब्लूम्स दोस्तों, ये कंपनी अच्छी है, इसके प्रोडक्ट्स एक या दो मैंने यूज़ किए हैं, ठीक ठाक प्रोडक्ट्स हैं। एक कंपनी है होम्यो वाइटलिटी और ये UK से आती है ये कंपनी, इसके प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ नहीं किए हैं, तो इसके बारे में कुछ भी टिप्पणी
नहीं कर सकता हूँ दोस्तों। एक कंपनी है आइसोट्रोपिन, ये US की कंपनी है, इसके भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ नहीं किए। कंपनी है बोआयरन इंडिया दोस्तों, ये कंपनी फ्रांस की है और इसके भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ नहीं किए दोस्तों। ये थी इतनी सारी होम्योपैथी की कंपनी और इन सभी के प्रोडक्ट्स इंडिया में आते हैं, आप सभी यूज़ करते हैं। मैं जो अपने क्लिनिक में प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ वो मोस्टली WSI के होते हैं, डॉक्टर रेकवैक के होते हैं, SBL के होते हैं, हैशलैब के होते हैं, हैबडेको के होते हैं, SHL के होते हैं, मेडिसिन के होते हैं और कुछ और एक दो कंपनीज़ के होते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया हो कि इंडिया में कौन कौन सी कंपनी ऑपरेट करती हैं होम्योपैथी की और कितनी ज़्यादा होम्योपैथी की मेडिसिन बिकती हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया तो उसको भी दबा दीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपको किसी तरह की बीमारी है तो मेरे चैनल में जाके बीमारी के बारे में जान सकते हैं, उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दिए गए तो अपने फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट में ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन है तो मैसेज ज़रूर करिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।